नमस्कार, मैं हूँ प्रीति रॉय और स्वागत है आपका स्वदेशवाणी की 3 बजे की 30 बड़ी खबरों में। कोरोना महामारी को लेकर WHO की चेतावनी, आने वाले महीनों में दुनिया में तेजी से फैलेगा डेल्टा वेरिएंट। म्यांमार में सैन्य सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाले 2000 से ज्यादा कैदियों को किया गया रिहा। डॉक्टर एंथनी फौची खतरनाक डेल्टा वेरियंट को लेकर हुए चिंतित, कहा डेल्टा वेरियंट अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा बन रहा। चीन की हिमायती हांगकांग सरकार ने ड्रैगन के थोपे सिक्योरिटी कानून को सही बताया, कहा ये देता है आजादी। कश्मीर पर एक बार फिर बौखलाहट में आया पाकिस्तान, इमरान ने कहा अनुच्छेद 370 पर फैसला पलटने तक भारत से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं। भारत का कड़ा रुख कर गया काम, यूरोपीय संघ के साथ देशों में कोविशील्ड लगवाने वाले लोग कर पाएंगे अब यात्रा। ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स बोले सौर ऊर्जा की दिशा में भारत की कोशिशें दुनिया के लिए एक उदाहरण बनी। राष्ट्रपति बाइडेन ने भारत वंशी अमेरिका महिला शालिना को संघीय न्यायाधीश किया निमानित। कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड को 8 देशों ने दे दी है मंजूरी, महामारी से बचाव के खिलाफ है ये कारगर। विधायकों और सांसदों के मामले में संसद कर सकता है फैसला, कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट का आया बयान। रूसी वैक्सीन स्पुतनिक लाइट के तीसरे चरण के ट्रायल को नहीं मिली भारत में मंजूरी। जुलाई पड़ेगी आम जनता की जेब पर भारी, आज से अमूल दूध, LPG सिलेंडर हुए महंगे, बैंक सर्विसेज चार्जेस भी बढ़े। रविशंकर प्रसाद का ट्विटर पर निशाना, कहा अमेरिकी इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म को मानने होंगे भारतीय कानून। बीजेपी के वरिष्ठ नेता शरद त्रिपाठी के निधन पर प्रधानमंत्री मोदी ने जताया दुख, ट्वीट कर दी श्रद्धांजलि। कृष्णा नदी परियोजना में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मांगी प्रधानमंत्री मोदी से मदद, तेलंगाना की गतिविधियों पर जताया ऐतराज। डिजिटल इंडिया के 6 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री ने कहा कोरोना काल में जो डिजिटल सॉल्यूशंस भारत ने तैयार किए हैं उनकी आज पूरी दुनिया में हो रही है चर्चा। मुलायम सिंह यादव की तबीयत बिगड़ी, मेदांता अस्पताल में टेस्ट कराया गया, 23 दिन पहले ही लगवाई थी कोरोना की वैक्सीन। झारखंड में पिछले 24 घंटे में मिले 85 पॉजिटिव मरीज, 120 लोग ठीक हुए, वहीं एक भी मौत नहीं। हेमंत सरकार के खिलाफ आज भाजपा करेगी आंदोलन का ऐलान, जनता को बताएगी कि मोदी सरकार की कितनी उपलब्धियां हैं। झारखंड हजारीबाग के 2 किसान से आज बात करेंगे पीएम मोदी, कृषि के क्षेत्र में हासिल की है खास उपलब्धि। लोहरदगा में मवेशी लदे 4 पिकअप वाहन हुए जब्त, पुलिस ने 8 लोगों को लिया हिरासत में। RCP सिंह ने कहा JDU की जिला कमेटियों में भी महिलाओं को मिलेगी 1/3 जगह। बिहार में एक बार फिर बढ़ी कोरोना संक्रमितों की संख्या, 190 से बढ़कर हो गई 260। पटना में थम नहीं रहा मौत का सिलसिला, IGIMS में कोरोना से 5 और ब्लैक फंगस से 3 लोगों की मौत हुई। दरभंगा स्टेशन ब्लास्ट में चलती ट्रेन में विस्फोट की थी साजिश, NIA ने हैदराबाद के 2 सगे भाई को अरेस्ट किया। शीशी में लिक्विड फॉर्म में थी IED, पाक मिली थी बनाने की ट्रेनिंग। भ्रष्टाचार नियंत्रण को लेकर CM नीतीश का बड़ा फैसला, अब संपत्ति का ब्यौरा नहीं देने वाले अधिकारियों पर दर्ज होगी FIR। वार्नर सहित अधिकांश ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी IPL के बचे हुए मैच के लिए अब उपलब्ध होंगे। दूति चंद ने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया, महिलाओं की 100 मीटर और 200 मीटर दौड़ में हिस्सा लेंगी ये भारतीय स्टार, हिमा दास को इस बार नहीं मिल पाई जगह। IPL 2022 में 2 नई टीम जोड़ने को तैयार हुई BCCI, बोर्ड को हो सकती है 5800 करोड़ की मोटी कमाई। आखिरकार बार्सिलोना से आजाद हुए लायन मेसी, करार हुआ खत्म। ये थी आज की 30 बड़ी खबरें, कल फिर मिलेंगे इसी समय पर, तब तक के लिए बने रहें स्वदेशवाणी के साथ। साथ ही इन खबरों को विस्तार से जानने के लिए और देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.swadeshwani.com पर लॉगिन करें और स्वदेशवाणी के ऐप को इंस्टॉल करें। धन्यवाद। अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपको देश विदेश तक की खबरों से अपडेट रख सकें। स्वदेश वाणी।